बॉयज एंड गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। तो तुम्हारा कंसिस्ट नहीं हूँ मैं कंसिस्टेंट यूट्यूबर, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, अब मैं नहीं बोलूँगा, मेरी लाइन चेंज कर दूंगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो बस सीन ये है कि यार आज जो है ना यार, काफ़ी टाइम बाद हम लोग दोबारा से अपनी सिटी में वापसी आए हैं, और सीन कुछ ये करना है कि हमें पता चला है सिटी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अमीर बिलियनियर आ चुका है। तो अब जाहिर सी बात है, हम हैं यहाँ के माफिया, बिलियनियर से मिलना तो हमारा हक बनता है फिर यार, जाहिर सी बात है उसके लिए काम करेंगे तो पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो अब सीन ये करना है कि हम लोगों ने कि उसके पास जाना है हम लोगों ने, ठीक है, देखना है कि वो क्या भला है, क्या चीज़ है वो, ठीक है। और उसके लिए भाई वो काफ़ी दूर रहता है, तो हम लोग उसके लिए अपनी वाली गाड़ी का मतलब यूज़ करेंगे। ये सिर्फ रह गई है मेरे पास, हम लोग माफिया तो हैं लेकिन कंगले माफिया हैं, बिल्कुल ही कंगले हो चुके हैं। तो अब ये देखो तुम लोग के उसके पास हम लोग उन्हें जाना है, तो थोड़ा सा मतलब पेट्रोल ज़्यादा खर्च हो जाएगा। चेक करेंगे ना जाके कि मतलब वो क्या सीन है, क्या कैसा बंदा है वो। और मैं मार्क लगा देता हूँ ज़रा वहाँ पर कि वो किस जगह रहता है, देखना ये यहाँ पर तकरीबन रहता है वो। तो अब हम लोगों ने उसके पास जाना है, लेस्टर ने बताया था कि भाई एक नया बंदा आ गया, इसको पकड़ लो, इसके लिए काम करो और पैसा कमाओ। तो अब यही करेंगे बिल्कुल इसके लिए कि अब उसके लिए पैसा वैसा कमाएंगे, और पैसा ऐसी बात है, पैसा तो फिर कुछ ही है। तो अब यहाँ है कि उसके पास जाना है हम लोगों ने। अब बस मैं ये देख रहा हूँ कि यार वो कोई दुश्मन मतलब ना हमारा दुश्मन में से ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाह रहा कि मतलब उसके साथ मैं दुश्मनी बढ़ाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है और पता नहीं उसके सुपर हीरोज़ के साथ ताल्लुकात भी हैं। तो मतलब हम तो सुपर हीरो नहीं हैं, अगर उसके साथ सुपर हीरो वगैरह हुए तो भाई हमारी तो बैंड बच जाती है। तो डायरेक्ट अभी हम लोग उसके पास जाएंगे, देखेंगे कि क्या सीन है। अब तुम लोगों को नई नई चीज़ें भी दिखानी है इसके अंदर, कि हम लोगों ने क्या क्या मतलब नया नया करने की कोशिश की है इसके अंदर। वो इस नया सीन ये है कि आप लोग इसके अंदर ना अब हम लोग ड्रिफ्टे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने मैकेनिक से बोल के ना काफ़ी ज़्यादा उसको पैसे देके ना GTA के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना सबके अंदर एक मतलब ऐसा सिस्टम लगा दिया कि आप उसके अंदर आप वो कर सकते हो, ड्रिफ्ट लगा सकते हो गाड़ी के अंदर ना। ये चेक करो ज़रा, ये देखो ड्रिफ्ट लग रही है, बड़ी प्यारी ड्रिफ्ट लग रही है। धुंध छा गई है, ठीक है, और मतलब मौसम भी थोड़ा ख़राब लग रहा है मुझे, लेकिन कोई इसकी खबर नहीं है कि बारिश वारिश हो, मतलब वैसे फॉग का सीज़न है। तो चेक कर सकते हो, तुम लोग देख सकते हो कि क्या सीन चल रहा है। तो यार हम लोग पहुंचने वाले हैं उसके घर पे, ड्रिफ्टें मारते हुए चलते हैं घर पे, लेकिन मेरे से भी लग रही यार काफ़ी हार्ड है। चेक करो तुम लोग ड्रिफ्टें तो काफ़ी अल्लाह गाड़ी छूट गई ना मेरी, तो मेरे लग रहा है टाइट वाले चेक करो। तो बस यार आ गए हम लोग उसके घर के ऊपर, ठीक है, अच्छा ये जाओ 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 जाओ, ये घर की एंट्रेंस है। तो ये तुम लोग देख सकते हो घर का काफ़ी अंदर उसने बनाया हुआ, बिल्कुल बोल सकते हो कि खुफिया तौर पे, ताकि कोई आ ना जाए। लेकिन हम लोग तो फिर माफिया है ना यार, हमें तो एक एक चीज़ का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है सिटी के अंदर, क्या नहीं हो रहा। तो भाई हम लोग अब देख लेते हैं कि ये यहाँ पर हम लोग गाड़ी खड़ी कर देते हैं, इसके घर का ज़रा सर्वे करते हैं। लेस्टर बता रहा था वो कहीं गया हुआ है यहाँ से, क्योंकि उसने घर के ऊपर ट्रैकर वैकर लगाया हुआ था, उसको पता चल जाता है कि मतलब बंदा कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो हम लोग ऐसे नॉर्मल कैजुअल कपड़े पहन के आए थे, तो हम लोग सीधा सीधा देखते हैं, अरे भाई शुरुआत में लोग भाई गोल्डन वॉच रखा हुआ है इसने सोने का, और भाई हुई हुई इतनी बड़ी फुल थिएटर मोड इसने लगाया हुआ है यहाँ पर यार, ये चेक करो। और क्या मतलब है यार, नहीं 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 ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता भाई, मैं नहीं, ये एवेंजर से लिंक है बंदा, हेलो यार ये तो फिर गुड हो जाएगा यार। यार इसने देखो यार ये यहाँ पर अपना दवा दारू का इंतजाम किया हुआ है इसने, और ये इसका पियानो है, और यहाँ पर बिल्कुल खूबसूरत सा व्यू आता है बाहर का, ये तुम लोग देख सकते हो। मैं पूरा तुम्हें इसका घर का सर्वे करवाता हूँ, इसने ये घर मतलब किस तरीके से बनवाया हुआ है, ये इसका अपना कोई
हो, स्विमिंग पूल टाइप की जगह है ये तुम लोग चेक कर सकते हो। इसमें लोगों के लिए बार शार खोला हुआ है, यहाँ पर दूध सोडा मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। ओए ये कौन सी जगह है, नीचे जाके चेक करें। ओ भाई साहब नीचे गैरेज है, गैरेज बनाया हुआ है। अच्छा से ये गैरेज, मतलब क्या? हेलो हेलो, ये बंदा आयरन मैन है या आयरन मैन के लिए काम करता है? इसके पास इतने सारे सूट्स कैसे आ गए? आयरन मैन का पोस्टर, एवेंजर्स का लोगो, गाड़ियां, सूट बनाने की मशीन, ये आयरन मैन का घर है बॉयज। ओ भाई साहब हम लोग आयरन मैन के घर के अंदर है यार। ये नीचे चेक करो, नीचे इसने क्या रखा है ये? ओए और भी है। अच्छा वो ऊपर कंस्ट्रक्शन के अंदर है, ये इसने बना चुका है यहाँ पर। यार ये मुझे चाहिए यार, यार इसमें से एक भी मिल गया ना तो बहुत मजे। ये बंदा कौन है भाई? हेलो, ये तो जार्विस है। ये उसने जार्विस को भी रखा हुआ है यार यहाँ पर। हुए यार ये इंटरनेट की इसने यहाँ पर सेटिंग वगैरह करी हुई सारी, ताकि इंटरनेट की स्पीड ना रुक पाए। और यार ये मुझे सूट चाहिए यार अब मैं, मुझे यार कुछ भी करके ये सूट चाहिए। तो अब यार लेकिन अब मैं चोरी भी नहीं कर सकता इसके पास से, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इससे ना हम लोग अपने ताल्लुकात अच्छे कर लें। और मतलब बाद में ये खुद हमें बोल दे कि यार मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, तो बेईमानी करके तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अभी हमें ये करना पड़ेगा कि इसके पास से इसका हमें भरोसा जीतना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये घर पे है नहीं। क्योंकि अब इसको ये क्या करूँ यार, मैं लेस्टर को बोल के ना इसको बोलता हूँ मेरे साथ एक मीटिंग फिक्स करवाए इसकी, कि इसके लिए हम काम करेंगे। और ये स्टैचू इसने पता नहीं कैसा अजीब सा बनाया हुआ है, समझ भी नहीं आ रहा कुछ मेरे को स्टैचू इसका। बहरहाल ये है कि हम लोग इसके लिए काम करेंगे, और इसके काम करने के बाद हम लोग उसको बोलेंगे कि भाई हमें ये सूट वगैरह चाहिए, तेरे एक दो सूट चाहिए। देगा तो नहीं, बट फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे हम सूट वगैरह ले लें। बहरहाल इसका घर बहुत ही मतलब खूबसूरत घर इसने बनाया हुआ है, ये चेक करो, एंट्रेंस चेक करो। अच्छा ऊपर जाने का रास्ता भी है, ये चेक करो ज़रा यार, इतना खुफिया रास्ता ऐसे रखा हुआ है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसने। अरे भाई भाई यार ये जगह चेक करो यार, ये जगह चेक करो यार, ये जगह चेक करो। ये हाथ उसी बंदे का है ना जिसका तुम लोग भी सोच रहे हो। ओए ओए यार ये बंदा भी बहुत मतलब नाइस बंदा है यार। आयरन मैन का ये जो हल्क ने पहना था ये वो भी है, आयरन मैन का वो बैकपैक का सूट, और हुई हुई थोर का कुल्हाड़ा, कैप्टन अमेरिका की शील्ड और मास्क, और क्या है लूकी का, वो भाई लूकी का भी पड़ा हुआ है इधर। अरे भाई भाई यार क्या ही बात है यार, आज तो मजा ही आ गया कसम से। ओए 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 भाई एवेंजर्स को हम लोगों ने पास से बिल्कुल, ओए ओए यार ये देखो कितना बेहतरीन लग रहा है। तो बॉयज मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगा यहाँ पर, क्योंकि अगर वो आ गया तो बैंड बच जाएगी कसम से, उसने हम लोगों को देख लेना। एक और स्विमिंग पूल है, और यहाँ पर इसने टेलीस्कोप लगाया हुआ ताकि एलियंस पे नज़र रख सके। तो अब बस हम लोग यहाँ से काम करते हैं, हम लोग यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई उसको पता चले कि हम चोरी छुप के उसके घर के अंदर आएँ, और मतलब ये बहुत मसला हो जाएगा हमारे लिए भी। और बस ये कि हमें हम लोग यहाँ से गाड़ी लेके यहाँ से निकलते हैं। मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ, और तुम लोग बताओ कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करें, इसके लिए काम करना है या इस मतलब इसको इसके जो सूट्स वगैरह हैं वो चोरी करने हैं। तुम लोग मुझे सब कुछ बताओ, और ऐसे ही मतलब यार भाई लोग सपोर्ट करते हो, तुम लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो। काफ़ी टाइम बाद मैंने वीडियो अपलोड की, ब्लॉगिंग वगैरह भी कर रहा हूँ, और लेकिन तुम लोगों ने उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है। तो अब बस तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरी कि तुम लोग बताओ मुझे कि नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टाइप की वीडियो चाहिए, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट स्टोरी आएगी, लेकिन तुम लोग मुझे बताओ कि क्या होनी चाहिए वो। तो
थोड़ा सा मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। तो 3000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरे करा दो हमारे, 2500 सब्सक्राइबर कितना पुराना होगा यार, हम लोग वहीं पर अटके हुए हैं अभी भी। तो बस मैं तुम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सपोर्ट करते रहो जैसे तुम लोग कर रहे हो। तो मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।